इरफान यहाँ पे 2 साल थे, जो मेंटोरशिप और कोचिंग किया उन्होंने, उनसे बहुत कुछ सुना है मैंने यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे टैलेंट है, बहुत बेहतरीन टैलेंट है यहाँ पे। और जब इरफान यहाँ पे थे तो आपके 2 से 3 लड़के जो आईपीएल के लिए भी सिलेक्ट हुए वो खेले, तो ये एक अच्छा साइन है कि आपके यहाँ पे ऑब्वियसली टैलेंट है। और जो जिस तरह से आर्मी के लोग और जो कर्नल साहब यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है केपीएल, तो ऐसे टूर्नामेंट होने से क्या होगा कि जो यूथ है, जो टैलेंट है, वो और निखर के आएगा। और 200 टीमें यहाँ पे ये टूर्नामेंट खेली है 2 महीने में, पिछले 2 महीने में, तो ये एक बहुत ही तारीफ के काबिल है कि इस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भी हुआ है और जो यूथ है, जो टैलेंट यहाँ पे है, वो निखर के आएगा। मुझे बहुत खुशी है ये जो केपीएल हमने ऑर्गेनाइज करा, कश्मीर प्रीमियर लीग, जो 2011 में स्टार्ट हुआ था। इस पूरे मैच के दौरान, इस लीग के दौरान तकरीबन 200 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया, और ये एक बहुत अमेजिंग बात है कि हर छोटे छोटे गांव में लोगों ने अपनी टीमें बनाई, यूथ ने खुद उसको ऑर्गेनाइज करा, कंडक्ट करा, और साथ ही उसके बाद जाने में इस पूरे इवेंट को आगे बढ़ाया है। आज का मैच वाकई बहुत यादगार रहेगा। बडगाम ब्रेव्स आज विनर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन टू यू ऑल।